लगातार 8वीं बार उमराह करने पहुंचे बाबर आजम रमजान महीने में क्रिकेट को छोड़ इबादत में मशगूल हुए बाबर। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रमजान का महीना चल रहा है जो कि मुसलमान समुदाय के लोगों के लिए सबसे ज्यादा पाक माना जाता है। इस मुबारक महीने में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रोजा रखते हैं और जितनी हो सके अल्लाह की इबादत करते हैं। इस महीने में कई मुसलमान उमरा करने के लिए मक्का मदीना भी जाते हैं। वहीं रमजान के महीने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भी उमरा करने के लिए मक्का पहुंच गए हैं। उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम रमजान मुबारक के अहम महीने में उमरा करने के लिए मक्का मदीना गए हैं। उमरा करना मुसलमानों के लिए सुन्नत होता है। कई बॉलीवुड स्टार और क्रिकेटर्स को उमरा करते हुए देखा गया है। वहीं अब बाबर की भी मक्का की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि बाबर उस तस्वीर में हरम शरीफ के आगे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वह उमरा करते दौरान पहने जाने वाले बिना सिले कपड़े में नजर आ रहे हैं। बता दें कि ट्विटर पर बाबर आजम ने यह तस्वीर खुद शेयर की है। उमरा हज से काफी अलग होता है। उमरा साल के 12 महीने कर सकते हैं। मुसलमान उमरा करते समय काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं जिसको तवाफ करना कहते हैं। वहीं जिसके 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं उसका एक उमरा मुकम्मल हो जाता है। इसके अलावा बात करें बाबर की तो बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए अब तक कुल 74 टेस्ट, 95 वनडे और 99 T20 मुकाबले खेले हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।